अयोध्या धाम जंक्शन पर गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो गई है। आपको बता दें कि कल देर शाम यहां पर मालगाड़ी डीरेल हो गई और मालगाड़ी के 4 डिब्बे पटरी से उतर गए। इसके साथ ही आपको बता दें कि लखनऊ वाराणसी रूट पर ट्रैक बाधित हो गया। मालगाड़ी कटरा से बाराबंकी जा रही थी। हादसे की सूचना पर देर रात DRM घटनास्थल पर पहुंचे। ट्रेन की बोगी को काटकर पटरी से हटाया गया। इसके बाद रेल ट्रैक पर गाड़ियों की आवाजाही शुरू हुई। तो अयोध्या धाम जंक्शन के पास यह हादसा हुआ है। मालगाड़ी के 4 डिब्बे पटरी से उतर गए, डीरेल हो गए और ट्रेन की बोगी काटकर उन्हें हटाया गया। लखनऊ वाराणसी रूट पर ट्रैक बाधित रहा। तो अयोध्या से बड़ी खबर, डीरेल हुई मालगाड़ी और हादसे के बाद की तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। कई ट्रेनें बाधित इसकी वजह से रही। रेल ट्रैक पर आवाजाही अब शुरू हो गई है। निमिष गोस्वामी इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। निमिष, अभी क्या स्थिति है और कैसे हादसा हुआ? देखिए, हादसे की वजह को लेकर लगातार अधिकारी मंथन कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर लगभग देर रात की ये घटना है, जब कटरा यानी कि नवाबगंज रूट से मनकापुर रूट से रेल मार्ग से एक माल वाहन यानी कि मालगाड़ी आ रही थी और वो करीब अयोध्या धाम स्टेशन के चंद कदम पहले सनीगंज क्रॉसिंग है जहां पर वो डीरेल हुई, जिसमें 4 डिब्बे पटरी से उतर गए। अब उसको लेकर के कल देर रात तक यहाँ अधिकारियों का जमावड़ा था। हालांकि जो रेल मार्ग है वो संचालन को पुनः संचालित करा दिया गया है। बगल की ट्रैक से ट्रेनों को गुजारा जा रहा है। अब वाराणसी रूट और मनकापुर रूट पर दोनों पर संचालन शुरू हो चुका है, लेकिन हादसे की वजह तलाशी जा रही है। लेकिन इस पूरे घटना में मालगाड़ी के जो सुरक्षित डिब्बे थे उनको हटवाया गया है। जो 4 डिब्बे डीरेल हुए हैं उनको भी देर रात से हटाने का प्रयास किया जा रहा था, जिसको लेकर के खुद DRM मौके पर मौजूद थे। इसके अलावा उच्च अधिकारी मौके पर मौजूद थे और हादसे की वजह को गंभीरता से तलाशा जा रहा है। कहीं कोई अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है। ये माना जा रहा है कि मालगाड़ी लोड थी और किस वजह से ये हादसा हुआ, इस बात को लेकर के अभी भी मंथन का दौर चला। हालांकि तो रेलवे के अधिकारी अभी स्पष्ट इस पूरे मामले पर न बोलने को तैयार है, न कैमरे के सामने आने को तैयार है। लेकिन जिस तरीके से कवायद थी, जो प्राथमिकता थी कि रेल मार्ग संचालन पुनः शुरू हो, क्योंकि वाराणसी लखनऊ रेल मार्ग था, इसके अलावा मनकापुर भी इसी मार्ग से ट्रेनों को जाना था। तो जो ट्रेनें थी जहां तहां रास्ते ही रुकी थी, इन ट्रेनों को देर रात संचालित कर दिया गया, बगल का ट्रैक खाली करा के और उस ट्रैक से गुजारा जा रहा। फिलहाल इस पूरे मामले पर उच्च अधिकारी मौके पर मौजूद है और पूरे रेल मार्ग को पुनः संचालित करने का प्रयास कर रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया निमिष तमाम जानकारी के लिए आपका। पीलीभीत में कच्ची दीवार गिरने से दुल्हन के पिता समेत 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों को बीसलपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। घायलों में 4 लोगों की हालत गंभीर है, उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि परिवार बारातियों के स्वागत की तैयारी कर रहे थे और इसी समय पड़ोसी की कच्ची दीवार गिर गई। ये वहाँ मिट्टी की दीवार खड़ी थी, खाना पीना हो रहा था बारात का प्रोग्राम, तो खाना उना जो लोग खिला रहे थे वो दीवार लौट गई। बारात घर में थी? नहीं, बारात घर में नहीं थी, वैसे ही गरीब लोगों की बारात थी, वैसे ही प्रोग्राम। आज बारात थी? आज बारात है। कितने लोग घायल हुए लगभग? वहाँ तो काफ़ी लोग थे, लगभग 150 आदमी थे। चोट कितने लोग लगे? चोट तो पता नहीं, अभी तो साहब वहीं हैं उन लोग।